छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी विभाग में फर्जी दिव्यांग बनकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ दिव्यांग संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने कार्यवाही नहीं होने पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि उद्यानिकी विभाग के संचालक ने अलग अलग जिलों के उप और सहायक संचालक उद्यान को 2 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया था। इसके बाद भी उप और सहायक संचालक उद्यान ने फर्जी दिव्यांगों का अभी तक राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण नहीं कराया है। इसके बाद संचालक ने 13 अप्रैल 2024 को अलग अलग जिलों के उप और सहायक संचालक उद्यान को आदेश जारी कर कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद भी अभी तक जिन पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने का आरोप है, वे लोग राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण नहीं करवा रहे हैं। बता दें कि संचालक ने अपने आदेश में कहा है कि फर्जी दिव्यांगों का राज्य मेडिकल बोर्ड से शारीरिक परीक्षण कराकर निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। आपका उक्त कृत्य वरिष्ठालय के निर्देशों की अवहेलना है। संचालक ने जिले के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिनके खिलाफ शिकायत है उनका समयावधि भी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव संचालनालय को तत्काल भेजे। इसके बाद भी उद्यान विभाग के अधिकारियों ने फर्जी दिव्यांगों का शारीरिक परीक्षण नहीं करवा रहे। वहीं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने कार्रवाई होने से आहत होकर संचालक उद्यान एवं प्रत्यक्ष वानिकी रायपुर को पत्र लिखकर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले सभी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों का वेतन रोकने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर का कहना है कि फर्जी दिव्यांगों का शारीरिक परीक्षण नहीं कराया जा रहा है। हमने संचालक को पत्र लिखा है और सभी का वेतन रोकने की मांग की है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दिव्यांग संघ के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। संघ ने इन अधिकारियों पर लगाया है फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने का आरोप। राज्य मेडिकल बोर्ड से नहीं करा रहे हैं शारीरिक परीक्षण। राहुल पाटले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी गरियाबंद, श्रवण कुमार ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बिलासपुर, दिनेश कुमार चंद्रा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सक्ती, चंद्रशेखर साहू ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सक्ती, अमन कुमार राठौर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बलौदा बाजार, जितेंद्र कुमार कोसले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जगदलपुर, गौतम कुमार कश्यप ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी गरियाबंद, पूजा पहाड़े ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मुंगेली, सतीश कुमार नवरंग ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मुंगेली, चंद्र कुमार ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जांजगीर चांपा, रुद्रानी सिंह ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा पहाड़े ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मुंगेली ने विभाग से बिना अनुमति के विजिटेबल साइंस में PhD भी कर लिया है और अपने नाम के सामने अब डॉक्टर लिख रही है। नियम यह कहता है कि अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई भी डिग्री लेना होता है तो विभाग से अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह भी जांच का विषय है। संघ वास्तविक दिव्यांगों के अधिकार के संरक्षण का कार्य करता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी आज निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण उनके जिला के अधिकारी का संरक्षण मिलना है। लगभग 2 महीना हो गया आदेश हुआ उद्यानिकी संचालक रायपुर के द्वारा इन सभी फर्जियों का ग्रामीण विस्तार अधिकारी का राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक सत्यापन परीक्षण होना था। आदेश की इतना ऐसे अवहेलना किया जा रहा है कि इन सभी लोग निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। अगर इन लोग वास्तविक में दिव्यांग हैं तो जांच कराने के लिए क्यों डर रहे हैं? इन लोग को जांच करा करके लाके अपने विभागीय अधिकारी को सौंप देना चाहिए और आज दिनांक तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अपना परीक्षण नहीं कराया है और संभवतः उप संचालक उद्यान से मिलकर पैसे की लेन देन करके साठ गांठ इन लोग किया जा रहा है और उनके खिलाफ लेटर जारी नहीं हुआ है और ना ही उनका वेतन रोकने की अभी तक कोई आदेश जारी किया है। संचालक उद्यानी की रायपुर के आदेशों का इन लोगों ने इस कदर अवहेलना किया जा रहा है, इनका आदेश का आदेशों का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। शासन प्रशासन आदेशों एवं नियमों को घोर उल्लंघन किया जा रहा है। बड़ा ही शर्म की बात है, ऐसे विभाग अधिकारी इन फर्जियों को बचाने में पूरा कोशिश में लगे हुए हैं।
इस प्रकार का सिलसिला चलता रहेगा तो हम छत्तीसगढ़ समस्त दिव्यांग इंद्रावती भवन और महानदी भवन एवं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।